एक शहर के अंदर एक आलीशान बंगला है, उस बंगले के अंदर एक परिवार रहा करता है। रुपयों पैसों की उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, घर के अंदर कई गाड़ियां हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं और काफ़ी आलीशान जिंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं। लड़के का नाम अनुराग होता है और उसकी पत्नी का नाम होता है कनिका। अनुराग के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अनुराग अपने पिता की इकलौती संतान है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पिता के पास थी उसका उत्तराधिकारी अनुराग ही था और इसी वजह से वो लोग इतने आलीशान तरीके से ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। उसकी पत्नी कनिका भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार थी और अच्छी तरह से सरलता से जीवन को जीने वाली थी। वहीं उसके विपरीत उसका पति अनुराग, जो कि एक नंबर का अय्याश था और वो अपनी पत्नी को जरा भी तवज्जो नहीं दिया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ कनिका को पता चल जाता है कि उसका जो पति अनुराग है वो और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बना हुआ है। कई बार कनिका उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझता है, क्योंकि उसके पास रुपया पैसा ज़्यादा था। और अक्सर कहा जाता है दोस्तों, जहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है वहाँ पर इंसान के अंदर अलग अलग तरह की खामियाँ हो जाती हैं। ऐसी ही कुछ अनुराग के अंदर थी, वह शराब भी पिया करता और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसकी आदतें और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन शाम को अनुराग अपने घर लेट आया था और अपने साथ एक लड़की को लाता है। जैसे ही कनिका उस लड़की को देखती है तो एकदम से अनुराग से चिल्लाने लगती है, कहती है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद अनुराग, जो कि शराब के नशे में था, वह कनिका को डांटते हुए कहता है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिसको यहाँ पे लाऊं, तुम कौन होती हो इस चीज के बारे में बोलने वाली। अब इस बात को सुनकर कनिका को बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। पूरी रात भर वह सोती नहीं है, इसी चीज के बारे में सोचती रहती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और जैसे सुबह होती है तो सुबह वह अपने पति से बात करने के लिए जैसे उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसका पति उस लड़की को लेकर वहां से रात को ही जा चुका है। अब इसके बाद कनिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के चलते वह अपनी गाड़ी निकालती है और बाहर शहर में किसी चीज़ की तलाश के लिए इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे तीन भिखारी एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह वहां जाती है और वहां जाकर अपनी कार को रोक देती है। उन भिखारियों को देखकर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था तो वह उन भिखारियों के पास जाती है और एकदम से कहने लगती है, क्या तुम में से कोई ज़्यादा पैसे कमाना चाहेगा। अब इस बात को सुनकर दो भिखारी उनमें से एकदम से बोल पड़ते हैं कि हाँ, हम लोग पैसे कमाना चाहते हैं, बताओ तुम हमें कितना पैसा दोगी और हमें क्या करना होगा। उसके बाद वह कहती है कि मैं 2000 रुपये दूंगी और 2000 रुपये में 24 घंटे के लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। अब इस बात को सुनकर एक भिखारी तो तैयार हो जाता है, लेकिन तभी दूसरा वाला कहता है कि 2000 रुपये तो कम है, मुझे 3000 रुपये चाहिए। अब जो तीसरा भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था वो उसकी इस बात को सुनकर जरा भी रिएक्शन नहीं देता है। अब इसके बाद वह लड़की जैसे उस भिखारी की तरफ देखती है तो देखते ही एकदम हैरान सी हो जाती है, क्योंकि उस भिखारी की शक्ल को देखकर लग नहीं रहा था कि ये भिखारी है। उसके बाद वह उससे कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई पैसे कमाने नहीं है क्या। तो उसके बाद वह कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे इस काम के लिए हामी नहीं भर सकता, क्योंकि जिस काम के लिए तुम पैसे दे रही हो इतने ज़्यादा, तो हो सकता है तुम इनसे कुछ ना कुछ गलत काम ही करवाओगी। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि ऐसा कोई भी गलत काम नहीं है और हर इंसान की कीमत होती है, तुम अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ अपने उस काम के लिए। उसके बाद वह भिखारी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहता। उसके बाद वह लड़की कहती है कि चलो ठीक है, ये 2000 मांग रहा था और ये 3000 मांग रहा था, मैं तुम्हें 5000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों वह भिखारी 5000 रुपयों के बारे में सुनकर भी मना कर देता है। उसके बाद वह लड़की 6000 रुपये कहती है, वो भिखारी फिर भी मना कर देता है, कहता है कि मुझे नहीं चलना। उसके बाद वह लड़की कहती है कि तुम अपने मुँह से बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो फिर वह भिखारी उन दोनों की तरफ देखता है और देखने के बाद एकदम से कहता है कि अगर तुम मुझे 10000 रुपये दोगी तो मैं 24 घंटे तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वह लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10000 रुपये दे दूंगी। तो वह लड़की अपने पर्स से 10000 रुपये निकालती है और उस भिखारी की तरफ करने लगती है। तभी वह कहता है कि इन पैसों को मेरे इन दोस्तों को दे दो जिनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद वह भिखारी उस लड़की के साथ उस कार में बैठ जाता है और इस बात को देखकर वह लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि देखने से वो भिखारी लग रहा था और उन्हीं के साथ वो बैठ रहा था और उसने पैसे लेने से मना कर दिया था। उसके बाद वह लड़की उस भिखारी से पूछती है कि तुमने अपने पैसे इन्हें क्यों दे दिए।
उसके बाद वह भिखारी बताता है कि मुझसे ज़्यादा इनको पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने इसी वजह से इन लोगों को पैसे दिला दिए हैं। और छोड़ो तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, तुम्हें अपना काम कराना है और उसके लिए मैं चल रहा हूँ। उसके बाद कनिका उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम अनमोल बताता है। दोस्तों कनिका उसको लेकर एक अच्छे से हेयर ड्रेसर के पास जाती है और वहाँ पर ले जाकर उसके बालों को ठीक ठाक करवाती है। अब इसके बाद वह उसे एक शॉपिंग मॉल में ले जाती है और वहाँ ले जाने के बाद उसके नपाने से अच्छे से कोट पैंट खरीदती है। अब कनिका ने अनमोल के बालों को ट्रिम करा दिया था और उसके बाद अच्छे से कपड़े उसके लिए खरीद लिए थे, तो इसके बाद वह उसे एक होटल में ले जाती है और वहाँ पर जाने के बाद उससे कहती है कि अच्छी तरह से नहा धो लो और नहाने के बाद इन कपड़ों को पहन लेना। उसके बाद जो अनमोल होता है वह ऐसे ही करता है, बाथरूम के अंदर जाता है, अच्छे से शावर लेता है और शावर लेने के बाद उन कपड़ों को पहन कर वह कनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कनिका उसका चेहरा देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई भिखारी है। अब इस चीज़ को देखने के बाद वो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने अच्छे बंदे के ऊपर दाव लगाया है। इसके बाद वह उससे कहती है कि चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। धीरे धीरे रात हो गई थी और रात के समय वो अपने घर में जाती है, लेकिन आज वो जैसे ही घर पहुंची थी तो काफ़ी लेट हो गया था और इसी देरी के कारण उसका पति अनुराग घर के अंदर बैठा हुआ था, अपनी पत्नी की राह देख रहा था। लेकिन तभी उसकी पत्नी कनिका उस व्यक्ति के साथ उस घर के अंदर एंटर करती है और कहती है कि मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है और अभी ये बना है। अब अनुराग को ये बात गलत तो लगी थी, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, और एकदम से उससे बोल देता है कि कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है अच्छी बात है और आज से मुझसे कोई ताल्लुकात मत रखना। उसके बाद उसकी पत्नी उस लड़के को लेकर अपने साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है खाना खाने के लिए, लेकिन अनुराग जो कि अंदर से भुना बैठा था वो पीछे पीछे उसके वहीं पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही अनुराग कनिका का पीछे कर रहा था तो इस बात के बारे में कनिका को भी कहीं ना कहीं भनक लग गई थी और इसी वजह से वो और भी अच्छी तरह से उसके साथ जाकर उस रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करती है और खाना खाने लगती है। अनुराग जो कि उनको छुपते छुपाते देख रहा था, तभी अचानक से उसी रेस्टोरेंट के अंदर वही लड़की जिसको कल अनुराग अपने साथ लेकर आया था, वो लड़की किसी और लड़के के साथ वहीं पर आ जाती है। अब जैसे ही अनुराग उस लड़की को देखता है तो एकदम उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगने लगता है कि ये मैंने बहुत गलत किया अपनी पत्नी के साथ और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद अनुराग एकदम से वहाँ पर जाता है और सभी लोगों के सामने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि कनिका मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस लड़की के ऊपर मैंने तुमसे ऐसा कहा था वो लड़की आज किसी और के साथ है और ये कभी भी मेरी नहीं हो सकती। इस बात को सुनने के बाद कनिका एक बार फिर से उससे कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जैसा तुमने मेरे साथ किया था मेरा भी ये बॉयफ्रेंड है और मैं इसी से शादी करूँगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन अनुराग उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी बीच उनका एक दोस्त भी वहीं पर आ जाता है और जैसे ही वो उनके साथ अनमोल को देखता है तो अनमोल को देखते ही एकदम हैरान सा हो जाता है, क्योंकि वो जगह ऐसी थी दोस्तों जहां पर पैसे वाले लोग आया करते थे और वहां पर किसी ने अनमोल को पहचान लिया था। अब इस बात को देखकर दोनों पति पत्नी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी अनुराग उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तभी वह अनुराग का दोस्त कहता है कि इन्हें भला कौन नहीं जानता, इनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनका बहुत सारा रुपया पैसा है, ये अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा दान कर दिया करते हैं और ये खुद एक बेघर व्यक्ति की तरह रहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो कनिका है उसकी भी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और इधर जो अनुराग था उसकी भी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह लड़का जिसको कनिका एक भिखारी समझकर अपने साथ लेकर आई थी वो बहुत ही रुपये पैसे वाला व्यक्ति था। अब जैसे ही सच्चाई सबके सामने आती है तो अनमोल एकदम से कनिका से कहता है कि कनिका बहुत हुआ, तुम्हारे पति तुम्हारे सामने माफ़ी मांग रहे हैं और इतनी देर से मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या है, किस वजह से तुम मुझे ऐसे पैसे देकर लाई हो। और फिर वह कनिका और अनुराग दोनों को समझाता है, कहता है कि ऐसा नहीं किया करते, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, जो भी तुम कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए और पति पत्नी के रिश्ते के प्रति ईमानदार भी रहना चाहिए। वह कनिका की पूरी सच्चाई अनुराग को बता देता है और अनुराग जैसे इस बात के बारे में सुनता है तो उसके हृदय को शांति मिलती है और वह सोचता है कि चलो ठीक है, कम से कम ऐसा तो नहीं है जैसा ये बता रही थी। उसके बाद कनिका भी अनुराग को माफ़ कर देती है और दोबारा से उसी घर में अपने
अपने पति अनुराग के साथ रहने लगती है। इधर जो अनमोल था वह भी वहाँ से चला जाता है और उनसे कहता है कि अच्छी तरह से रहना, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वह पैसा उसके अंदर इस तरह की बुराइयों को जन्म दे देता है। कुछ दिन ठीक तरह से बीतते हैं लेकिन कुछ दिन बाद जो अनुराग होता है फिर से उन्हीं सभी चीजों को करने लगता है। इस बार वह कोशिश करता है कि कनिका को इन सब चीजों के बारे में ना पता चले और छुपते छुपाते उन सभी बातों को करने लगता है। वह और लड़कियों के साथ नाजायज प्रेम प्रसंग रखा करता और शराब पिया करता और इस बार वो शराब पीने के बाद घर नहीं आया करता। वहीं से वहीं फोन करके बोल दिया करता कनिका से कि मेरी कोई मीटिंग है और मीटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अब इन सभी बातों से कनिका को थोड़ा सा शक होता है और इसी शक के दौरान वह अपने बेस पर इसकी तहकीकात करती है। जैसे तहकीकात करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका पति जो अनुराग था वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, उसने उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराना स्टार्ट कर दिया है। अब इस बारे में अनुराग के पिता यानी कि कनिका अपने ससुर जी से बात करती है और कहती है कि ससुर जी ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैंने एक बार इन्हें सुधारने के लिए ऐसे भी किया था लेकिन उसके बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यह बात जैसे अनुराग के पिता को पता चलती है तो उसे भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी जो अनुराग होता है वो इन्हीं बातों पर तुला रहता है, इन्हीं बातों को किया करता है, अवैध प्रेम प्रसंगों में रहना और शराब पिया करना। अब अपने बेटे की इन सभी हरकतों को देखते हुए और उसकी पत्नी को परेशान देखते हुए वह एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वह अपने बेटे अनुराग को एकदम से बेदखल कर देता है और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उस सारी प्रॉपर्टी को अपने पोते के नाम कर देता है जो अनुराग का बेटा है, कनिका के पास रहा करता है। उसकी गार्जियंस बना देता है वो कनिका को और कनिका से कहता है कि बेटी अब सारी प्रॉपर्टी तुझे ही हैंडल करनी है क्योंकि मेरी उम्र हो चली है और मेरा बेटा शराब पिया करता है तो इस बच्चे के फ्यूचर के लिए तुम्हें ही सारी प्रॉपर्टी को देखना होगा। इसके बाद कनिका फ़ोन करके अनुराग से कह देती है कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है और तुम मेरी तरफ से कहीं भी रहो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम मुझसे कोई मतलब रखोगे। जैसे धीरे धीरे समय बीतता है जो अनुराग के अकाउंट में पैसे थे वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं उसकी अय्याशियों में और शराब की लत के कारण। इधर जो कनिका थी वो उसकी सारी कंपनियों का अच्छी तरह से देखभाल किया करती और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाया करती। अनुराग बेदखल कर दिया गया था तो उसके अकाउंट में कोई भी कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसके बाद वह थोड़ा सा परेशान हो जाता और अपने पिता के पास जाता है। पिता से कहता है कि पिताजी मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं, आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दीजिए। लेकिन उसका पिता उससे कह देता है कि बेटा मैंने तुझे बेदखल कर दिया और जितनी भी मेरी सारी प्रॉपर्टी थी वो मैंने तुम्हारे बेटे के नाम कर दी है। तुम इस तरह से अय्याशियां करोगे तो इस बच्चे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और इसी चीज को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है। अब इस बात को सुनने के बाद अनुराग अपने पिता से नाराज हो जाता है और अपने पिता से लड़ाई करके वहां से भी वापस आ जाता है। इसके बाद वह अपने सभी दोस्तों के पास जाता है जिन दोस्तों को खूब सारा पैसा दिया करता था लेकिन उन दोस्तों में से उसका कोई भी काम नहीं आता है। उसके सभी दोस्त उससे कह देते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम तुम्हें पैसे दे सके। कुछ दोस्त उसके 2-4 हज़ार रुपए उसे दे भी देते हैं लेकिन 2-4 हज़ार रुपए से उसका कुछ भी नहीं होना था क्योंकि उसके खर्चे काफी ज्यादा थे और इसी कारण से जो अनुराग है वो एकदम से बौखला सा जाता है। वह अपनी पत्नी के पास भी फोन करता है, उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम मुझे पैसे दे दो, लेकिन उसकी पत्नी भी उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है। अब जिन लड़कियों को वो घुमाया करता था, जिनके साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में रहा करता था, उनसे भी वह मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़कियां भी उसके काम नहीं आती हैं। अब इसके बाद अनुराग को 2-3 दिन हो गए थे, उसने अच्छी तरह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, ना ही उसके पास घर था। कनिका ने वॉचमैन से साफ साफ बोल दिया था कि इसको इस घर में आने की परमिशन नहीं है क्योंकि ये घर मेरे बेटे के नाम है और इसको हमने बेदखल कर दिया है। कनिका का वॉचमैन बार बार उसे भगा दिया करता, वो घर पे आने की कोशिश किया करता और ऐसे भटकते भटकते उसे 2-3 दिन हो जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वह इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढने लगता है ताकि उसे खाने के लिए खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। वह इधर उधर काम ढूंढता हुआ फिरता है तभी एक व्यक्ति उसे एक काम देता है, एक गाड़ी थी उसको अनलोड करना था, अगर उसको वो अनलोड कर देता तो वह व्यक्ति उसे 200 रुपए देता। अब उसके बाद अनुराग जो कि मजबूर था, वो किसी दिन पैसे वाला था लेकिन आज उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पैसों की अहमियत पता चल गई थी। उसके बाद अनुराग उस गाड़ी को खाली करने के लिए उससे बोल देता है और उस गाड़ी को खलाने लगता है। उस गाड़ी को खलाता है, खलाने के बाद उसे 200 रुपए मिलते हैं और उन 200 रुपयों को लेकर वह सीधा शराब की दुकान पर जाता है और वहां से शराब खरीदता है अपने पीने के लिए
और शराब को पीकर इधर उधर झूमने लगता है। दो तीन दिन से उसने अच्छी तरह से कुछ खाया नहीं था और शराब एकदम पी ली थी और पीने के बाद उसे कुछ ज्यादा ही नशा हो जाता है। नशा होने के कारण उसे एकदम से रिएक्शन हो गया था और जैसे उसको रिएक्शन होता है तो ये बात कनिका को भी पता लग जाती है, क्योंकि कनिका ने अपने पति पर निगाह रखने के लिए एक व्यक्ति को रख रखा था। उस व्यक्ति ने एकदम से कनिका के पास फोन किया और कहा कि आपके पति की इस तरह से तबीयत खराब हो गई है। तो उसके बाद कनिका एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि तुम ऐसा करो, इन्हें ले जाकर फौरन से एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दो और इनसे कहो कि यह सब कुछ तुम्हारी शराब पीने की लत की वजह से हुआ है। उसके बाद अनुराग को उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं और इलाज होने के बाद जैसे ही अनुराग ठीक होता है तो वह व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारे इलाज में 20,000 रुपये खर्चा आए हैं और इन पैसों को तुम्हें काम करके चुकाना होगा। अब इसके बाद अनुराग उस व्यक्ति का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि आपके पैसे मैं कैसे भी चुका दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब यह बात जैसे ही वह व्यक्ति सुनता है तो उससे कहता है कि ठीक है तुम मेहनत करो, मेहनत करने के बाद मेरे पैसों को दे देना। उसे अपना एड्रेस बता देता है और अनुराग को वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब इसके बाद अनुराग इधर उधर ऐसे छोटे मोटे काम ढूंढा करता है और धीरे धीरे पैसे कमाने लगता है। अब कनिका जो इस व्यक्ति के बराबर कॉन्टेक्ट में थी, अनुराग की हर एक बात को वह व्यक्ति कनिका को फोन करके बताया करता था। तो कनिका जैसे सुनती है कि उसका पति अब मेहनत करने लगा है, उसने शराब पीना भी बंद कर दिया है, तो उसके बाद कनिका उस व्यक्ति से कहती है कि उससे यह कहो कि तुम्हें मेरे अगर पैसे चुकाने हैं तो मैं एक जगह तुम्हें नौकरी लगा दूंगा और वहीं पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसके बाद वह व्यक्ति अनुराग से जाकर ऐसा ही कहता है और अनुराग भी उस काम को करने के लिए एग्री हो जाता है। अनुराग उस व्यक्ति के साथ चलने लगता है। वह व्यक्ति उसे उसके ही बंगले पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं, इनकी तुम्हें देखभाल करनी होगी और एक महीने तक अगर तुम इनकी देखभाल करोगे तो मेरे जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे चुक जाएंगे। यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कमरा मिल जाएगा और खाने के लिए खाना मिल जाएगा। अब इसके बाद अनुराग जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो चुका था, वो कहता है कि ठीक है मैं इस बंगले के अंदर काम कर लूंगा। अब अनुराग को छोड़कर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और अनुराग जैसे अपने घर की तरफ देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वे एकदम से घर के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद अपनी पत्नी कनिका के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि कनिका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब तो मैंने ये शराब पीना भी छोड़ दिया है, मैं मेहनत किया करता हूं और मेहनत करके मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद कनिका जो उसे पहले ही माफ कर चुकी थी, क्योंकि सारा कुछ उसके सामने था, किसी भी बात का प्रमाण लेने की उसे जरूरत नहीं थी, दोस्तों वह अनुराग को माफ़ कर देती है और उससे कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम है और इसकी गार्जियंस मैं हूँ, तो तुम्हें इस घर के अंदर आराम से रहना होगा और इन सभी हरकतों में नहीं पड़ना होगा जिन हरकतों की वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा है। अनुराग अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता और कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अब अनुराग कनिका के साथ अच्छी तरह से रहा करता है, अच्छी तरह से अपनी कंपनियों की देखभाल किया करता है और अपने बेटे को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराता है और एक अच्छा पिता बनकर उसकी देखभाल किया करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी अनुराग और कनिका की। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।